ये वीरेंद्र जी आए जैसे ही तुरंत अब ये तैयार हो रहे हैं, अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है ये अपना प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं, कि वहां जाएंगे टीम लेकर। तो ये अभी देखिए सबसे पहले काम कर रहे हैं कि वो अपना एप्रन पहन रहे हैं। एप्रन को इस तरीके से पहनना है, नहीं सबसे पहले अंदर वाला को मानिए, बाद में बाहर वाले, अंदर अंदर होगा एक अंदर, हाँ अंदर वाले को बाले मानिए, यस यस हाँ उसको मानिए, फिर इसको लपेट लीजिए पूरा। इस तरीके से इसको पहनना है कि पार्ट एक्सपोज नहीं रहे। एक चीज यहाँ पर सबसे पहले जब ये आएंगे, हालांकि यहाँ पे वॉश बेसिन नहीं है, ये अपना हाथ अच्छी तरह से साबुन से 20 सेकेंड पूरी तरह से धो के आए, आप बता दीजिए हाथ जो धोना है पूरी तरह से धो के आने के बाद ही तब ये आएंगे। दूसरा ये जहां जाएंगे पहनने के लिए अपना बाकी सामान सब अपना घड़ी वड़ी उतार कर करके रख देंगे और हाथ के अंगूठी वगैरह भी हटा देंगे। हाथ को 20 सेकेंड तक अच्छी तरह से साबुन से धोएंगे। हाथ धोने की प्रक्रिया सबको पता है, सबको पता है, मैं स्टेप आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप सीधा बढ़िया से हाथ को धोए, उसके बाद फिर उल्टा धोए, ठीक है, उल्टा भी पूरा हाथ को धोए, उसके बाद ये जिसको आप मुट्ठी या मुक्का बोलते हैं, ये नकल जो है ना, ये जो है इसमें बहुत ज्यादा वायरस रहता है, तो इसको बढ़िया से धोए, एक एक जोड़ जो है उसी तरह से दोनों हाथ का इसको धोए, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो अंगूठे के बीच में होता है, ये अंगूठे के बीच वाला को बढ़िया से धोए, यहाँ भी रहता है पूरा, और ये वेब जो है फिंगर वेब जो दोनों है इसको अच्छी तरीके से धोए, ठीक है। उसके बाद फिर नाखून के अंदर भी जो है वायरस बहुत रहते हैं, तो नाखून को इस तरीके से जरूर धोए, दोनों को बढ़िया से नाखून को धोए। उसके बाद कलाई, ये जो रिस्ट है, कलाई को भी अच्छी तरह से, यहाँ फोल्ड्स होते हैं तो यहाँ वायरस के छिपने की संख्या ज्यादा होती है, तो ये जहाँ जहाँ स्किन के फोल्ड्स हैं उसको अच्छी तरीके से धोएं और 20 सेकेंड कम से कम धोएं, ज्यादा धोएं तो अच्छा है, पूरे झाग बनाकर धोएं, साबुन की कंजूसी नहीं करें, झाग से ये जो है वायरस, ये बेसिकली लिपिड बेस होता है तो ये हट जाता है। अच्छी तरीके से साफ धोएं और उसके बाद फिर सैनिटाइजर लगा करके आप रेडी हैं। ये देखिए सूज कवर कर रहे हैं क्योंकि ड्रॉपलेट वहां भी गिर सकते हैं, केयर देते हैं, केयर दीजिए तो बैठ चेयर पे कंफर्टेबली बैठ के पहने, एक चेयर रखना चाहिए वहां, बैठने में सुविधा होगी। ये शूज को पहन, शूज कवर पहन लें, ये शू कवर है, पूरे बढ़िया से इसको ढक लेना है, ये भी आया हुआ है, इसको भी आप लगाना है। आपका जो है बॉडी कवर हो जाए। ये मास्क थोड़ा छोटा है इसीलिए थोड़ा पोर्शन दिख रहा है, बड़ा मास्क होगा तो ये नहीं दिखेगा। ग्लव्स देखिए, ये फर्स्ट लेयर ग्लव्स पहन लिए। मुख्य लक्ष्य ये है कि शरीर का कोई भी भाग एक्सपोज नहीं हो। कपड़े के ऊपर तब बिल्कुल जो है इसको ऊपर से कवर कर देना, ये पूरा पीपी किट पहनकर तैयार हैं जाने के लिए। तो इसके जाने से पहले इनके एक सहयोगी जो हैं इनके बॉडी को सैनिटाइज कर लें, कर दीजिए, आंख बंद है,
सैनिटाइज हो गए, अब ये रेडी हैं बाहर जाने के लिए। तो ये जाएंगे अपने सहयोगी जो चार लोग हैं उनको लेकर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है स्ट्रेचर की आवश्यकता हो। तो चार सहयोगी देखिए, ये चारों जो हैं, यहाँ डेमो है, ये चारों भी उसी तरह तैयार होंगे जैसे ये तैयार हुए हैं, ठीक है। ये चारों भी उसी तरह तैयार होंगे जैसे ये तैयार हुए हैं, पूरी टीम एक जैसी तैयार हो। क्या तकलीफ है आपको? और कितने दिनों से है? कहीं बाहर से आप आए हैं? आपके आने के बाद आप अपने घर में कितने दिन रहे? अपने परिवार के साथ? तो आप ठीक है, अभी आपको ज्यादा तकलीफ क्या हो रहा है? सांस लेने में प्रॉब्लम है, ठीक। आपके पास कोई रुमाल है? नहीं, ठीक है। अभी क्या है, हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे पेशेंट के पास, हम क्या करेंगे कि यही दो मीटर की डिस्टेंस बना के पेशेंट के पास में उनके पास पूछेंगे रुमाल है तो रुमाल से, यदि रुमाल है तो रुमाल से अपना फेस कवर कर लो, नहीं है तो मैं आपको देता हूँ एक फेस मास्क, इसको अपने नाकों में कवर कीजिए। मरीज के पास क्लोज होके नहीं जाना है, दूरी से ही हम उसको देना है। अवस्था में हो तो उसको स्वयं जाकर के बांधना होगा, तुरंत जाकर के पीछे से बांध देना, पीछे से। अभी भी जैसे उसके हाथ से भी संक्रमण की संभावना है, देखिए हाथ को ये कैसे करेंगे, हाथ को कवर करने के लिए भी ये जो ग्लोव देंगे, हमारे पास ग्लोव मान लीजिए कि गांव में नहीं, ग्लोव वो पहन नहीं पाएगा, पॉलिसी नहीं देना। दोनों हाथों में लगा लिया, अच्छे से कवर कीजिए, लपेट लीजिए बढ़िया से। इस तरह से उसके हाथ जिससे चांस थे उसको ये कर दिया गया। अब मरीज चूंकि अगर चलने की स्थिति में होगा तो उसे चलाकर भी ले जा सकते हैं, यदि चलने की स्थिति में नहीं है तो फिर हमारी टीम स्ट्रेचर लेकर आए। कर देगा, आंख बंद कर लीजिए, चेहरा पे नहीं कीजिए। और ये देखिए पेशेंट को सैनिटाइज कर दिया गया, हाथ फैलाइए। अब स्ट्रेचर लाया गया, स्ट्रेचर लगाइए, स्टेशन के ऊपर कपड़ा रखिए। सारे लोगों को सैनिटाइज कर दीजिए। ये चलता फिरता पेशेंट है, इनको गाइड देके तैयारी कर लेना है। यदि पेशेंट बिल्कुल तकलीफ में है तो हम लोग क्या अपने इसको हिसाब से तैयार करके पेशेंट को लेके जाएंगे। जी, आप पेशेंट को स्ट्रेचर पे लीजिए। और इस तरह पेशेंट को ले लिया गया, उसे कवर कर दीजिए उसके, और इस तरह से स्ट्रेचर रेडी हो गया इनका। अब ये स्ट्रेचर लेकर एम्बुलेंस के पास जाएंगे। ये प्रक्रिया जो है हर पेशेंट के साथ करनी होगी, हर एक पेशेंट के लिए। और ये इस तरह से पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी है और इसे एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा। और एम्बुलेंस में शिफ्ट करने के बाद एम्बुलेंस जब आएगी तो फिर ये लोग सैनिटाइज होंगे। जो है तब ये अपने ड्रेस को उतारेंगे और उतार कर एक बकेट जो है इसके लिए स्पेशली जिसमें 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है और उसमें डालेंगे।